वेलकम बैक टू द चैनल। एंड पहली बात तो आप सबको हैप्पी दिवाली। एंड इसी दिवाली के अवसर पर मैंने तीन ऐसे स्टॉक्स आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ जो आपको आने वाले एक साल में काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टॉक है एफएल इंडिया। तो आपको आपके लिए मैंने तीन स्टॉक्स लाए हैं। पहला स्टॉक जो है वो स्मॉल कैप रहेगा, दूसरा मिड कैप रहेगा, तीसरा लार्ज कैप रहेगा। तो इस तरह से आपको जो है वो तीनों स्टॉक समझ जाएंगे। अगर आपने मेरा थंबनेल देखा है तो आपको पता होगा कि कौन से स्टॉक है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको स्टॉक के नाम नहीं जानने तो अभी आपको जान अपने वो स्टॉक के नाम ऑलरेडी जान लिए। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको कौन से लेवल पर खरीदना है और क्यों खरीदना है। जब तक आपको ये नहीं समझ आता तब तक आप कभी भी मार्केट में वैसा नहीं बनाओगे। इसलिए मुझे लगता है कि आपने पूरा वीडियो जो है वो एंड तक देखना चाहिए। आपको तभी समझ आएगा कि आपने कौन सा स्टॉक क्यों खरीदना है और कौन से लेवल पर खरीदना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला स्टॉक जिसे आप देख सकते हो वो है एफएल इंडिया। ये स्टॉक मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है एंड इसलिए स्टॉक को मैं पिछले तीन चार साल से काफी क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, बोथ फंडामेंटली एंड टेक्निकली। एंड फंडामेंटली मैं आपको जो भी स्टॉक्स इस चैनल में बताऊंगा वो सारे के सारे फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने वाले हैं। उनमें कोई भी सुजलॉन जैसे या कोई भी रैंडम छोटी छोटी बैंक जो होती है वैसे स्टॉक्स नहीं होंगे। अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो है वही आपके लिए मैं चैनल पर लेके आऊंगा एंड विथ टेक्निकल अपडेट्स एज वेल एज फंडामेंटल अपडेट्स। ये जो वीडियो है ये पूरा टेक्निकल रहेगा। कुछ ऐसे भी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा जो फंडामेंटल भी रहेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे हम उसमें। तो बट ये वीडियो जो है टेक्निकल एनालिसिस पर रहेगा। और आपको अगर ऐसे ही और जानना है, सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में, फ्री में जानना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी की तरीके से फ्री है। जैसे आप देख सकते हो मार्केट अभी खुला हुआ है, ग्रीन डॉट आया है, तो मार्केट अभी खुला हुआ है तो हो सकता है कि जो क्लोजिंग प्राइस है वो थोड़ी डिफर कर सकती है। तो आप उस हिसाब से देखना। अभी 1500 पे एफएल इंडिया जो है वो ट्रेड कर रहा है और आप देखोगे तो ये ऊपर से काफी अच्छे डिस्काउंट में जो है वो आपको मिल रहा है। इसका जो हाई है वो अराउंड 1700 का था और अभी जो स्टॉक है वो लगभग 12% के अच्छे खासे डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। मार्केट से काफी ज्यादा गिरा हुआ है क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक है तो आपको अच्छे डिस्काउंट में जो है वो स्टॉक मिल रहा है। लेकिन आपने ये स्टॉक अभी क्यों खरीदना चाहिए और आप अभी खरीदते हो तो आपको कितना अच्छा जो है वो गेन हो सकता है वो भी अभी हम जानेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक जो है वो ऊपर से 12% गिरने के बाद अराउंड 1450 के लेवल पे जो है वो स्टॉक ने आके एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। तो ये जो एक लेवल है जो मैंने अभी ड्रॉ किया एक लाइन, वहां जो है वो स्टॉक ने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से स्टॉक नीचे गिरा पहले, उसके बाद जो है वो स्टॉक ने इस लेवल पर जो है बेस फॉर्मेशन किया। अब अच्छे से देख सकते हो किस तरह से स्टॉक ने जो है बेस फॉर्मेशन किया है। मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ कि किस तरह से स्टॉक ने जो है वहां पे बेस फॉर्मेशन किया एंड उसके बाद जो है लगातार 3 दिन से अच्छी खासी रैली जो है वो स्टॉक ने दिखाई है। अब देख सकते हो 3 दिन से जो है स्टॉक ऊपर जा रहा है लगातार एंड अब जो है स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट होने के इसमें आ चुका है। 1500 का एक छोटा सा हर्डल है स्टॉक के लिए, लेकिन जैसे ही ये स्टॉक जो है वो 1500 के ऊपर क्लोजिंग देगा आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हो। तो ये जो है आज का पहला स्टॉक है दिवाली का, दिवाली स्पेशल स्टॉक जो है वो पहला स्टॉक है वो है एफएल इंडिया। आने वाले समय में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट जो है वो ये स्टॉक देखे जा सकता है। फंडामेंटली बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक है पहला। सो नाउ मूविंग ऑन, दूसरा स्टॉक जो है वो है केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई इंडस्ट्रीज आपको जैसे पता होगा कि ये इंडिया का लीडिंग वायर्स एंड केबल्स मैन्युफैक्चरर है। ये स्टॉक जो है वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि एफएल इंडिया जो है मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, पर्सनल पोर्टफोलियो का स्टॉक है। लेकिन केईआई इंडस्ट्रीज जो है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है, लेकिन ये कंपनी भी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म में मैंने इसको काफी बार खरीदा भी है, काफी बार मैंने प्रॉफिट भी किया है इस स्टॉक से। लेकिन अभी इस टाइम पर जो है वो स्टॉक काफी अच्छे लेवल पर आपको मिल रहा है। सो अगर मैं आपको थोड़ा सा इस स्टॉक का दिखाऊं तो ये अपने ऑल टाइम हाई से एफएल इंडिया से भी ज्यादा जो है वो करेक्ट होकर आ चुका है। इसका जो ऑल टाइम हाई था अराउंड 5000 के आसपास था, स्टॉक आपको जो है वो अभी 4000 के भी नीचे मिल रहा है। आप देख सकते हो कि अभी भी जो है 20% नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आज के दिन ही स्टॉक 3% ऊपर है, उसके बावजूद स्टॉक जो है वो अभी 21% के अपने ऑल टाइम हाई से डाउन में जो है वो आपको मिल रहा है। एंड ये भी स्टॉक जो है अगर आप देखोगे अपने सपोर्ट से स्टॉक घूम चुका है। अगर आप देखोगे मैंने अब यहाँ पे देख सकते हो कि सपोर्ट जो था 3750 का सपोर्ट था और वो सपोर्ट क्यों था वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक जो है वो वन वे रैली करके ऊपर जा रहा था, उसके बाद इस लेवल को उसने ब्रेक किया। ऊपर जाने के बाद जो है वो स्टॉक ने अराउंड 4000 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस किया एंड उसके बाद जो है वो स्टॉक इसी लेवल में काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। आप देख सकते हो कि एक पूरा महीना जो है वो स्टॉक इस लेवल पे कंसोलिडेट किया एंड उसी के कारण जो है 3750 एक अच्छा सपोर्ट था जो पहले भी था और इस बार भी था। एंड इसीलिए आप देख सकते हो कि अगर जब स्टॉक जोर से नीचे गिरा तो इसी लेवल ने जो है स्टॉक को नीचे जाने से बचा लिया। ये स्टॉक जो है वो बेस के यहाँ पर रुक गया, अपना उसने लो लगाया उस दिन का एंड स्टॉक जो है यहाँ से अब घूम चुका है। और मुझे इसलिए लगता है कि ये स्टॉक जो है आपको आने वाले कुछ समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। आने वाले एक साल में ये स्टॉक जो है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो आपको पता है कि ये स्टॉक टेक्निकली अब अच्छे लेवल पर है, जैसे एफएल इंडिया था वैसे ही ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम ऐसे काफी अच्छे करेक्शन में आपको मिल रहा है। एंड दूसरी बात, अब ये स्टॉक जो है वो अपने बेस जो आपका अब इसका जो सपोर्ट था वहां से जो है स्टॉक घूम चुका है एंड इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं आपको रिपीट करता हूँ कि ये सारे जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक है। एंड इसका ये भी मतलब है कि एज लॉन्ग एज निफ्टी आने वाले एक साल में ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक जो है वो निफ्टी से भी तेजी से ऊपर जाएंगे। बिकॉज ये स्टॉक निफ्टी जब गिर रहा था तो उससे ज्यादा गिरे थे, आपको ऐसा पता है निफ्टी अभी 6% डाउन है। केईआई इंडस्ट्री जो है अभी के समय में लगभग 20% डाउन चल रहा है। इसका मतलब बिकॉज ये स्टॉक जो है वो
निफ्टी से 3 गुना ज्यादा नीचे गिरा था, जब ये रिकवरी होगी तो ऐसे ही जो स्टॉक है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो ज्यादा गिरे थे निफ्टी के गिरने के टाइम पे, वही स्टॉक जो है वो काफी अच्छे से बाउंस बैक भी करेंगे, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न पोटेंशियल की बात करूँ तो वो भी जो है काफी हाई आपको यहाँ पे दिखने मिल सकता है। अगर मैं आपको जस्ट बोलूँ कि आपको कितना अच्छा रिटर्न जो है अभी भी मिल सकता है अगर आपने आज के जो है आज के प्राइस से भी खरीदा, तो भी आपको काफी अच्छा रिटर्न जो है वो आपको मिल सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो भी 26% का जो है आपको रिटर्न मिलेगा, और आने वाले एक साल में 26% जो है वो काफी अच्छा रिटर्न माना जाएगा, क्योंकि आपको पता है जैसे निफ्टी खुद ही जो है वो 15% का ऑन एवरेज सीएजीआर देती है, तो अगर एक साल में आपको 26% रिटर्न मिल रहा है तो निफ्टी से जो है वो आपको लगभग दुगना रिटर्न जो है वो आपको मिल रहा है। यूजुअली 14-15% निफ्टी देता है, तो अगर आपको 26% मिल रहा है तो ये काफी अच्छा जो है वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर आपको मिल रहा है। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड जो स्टॉक है वो है थोड़ा काफी लोगों को एक कॉन्ट्रा कॉल लगेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक आज के समय में यूजुअली एक मीम स्टॉक बन चुका है, काफी टाइम से जो है स्टॉक चला नहीं है। आप देख सकते हो कि अभी इवन तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों से जो है वो स्टॉक कहीं पर भी नहीं गया। आप देख सकते हो कि पिछले 3 साल से जो है वो स्टॉक एक ही लेवल पर जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर आप मैं आपको देखूँ तो जब लास्ट टाइम ये इस लेवल पर आया था स्टॉक, तो उस टाइम से लेके अब तक लगभग जो है वो 544 डेज हो चुके हैं, 371 ट्रेडिंग सेशंस अब तक जो है वो हो चुके हैं। इसका मतलब एक साल से स्टॉक एक ही लेवल पर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। एंड मुझे अभी लगता है कि ये स्टॉक, अगर इस स्टॉक ने अभी अगर ये अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे दिया, जो कि उसका ऑल टाइम हाई अगर मैं ड्रॉ करूँ तो लगभग इस लेवल के आसपास आता है, 1780 के आसपास जो है इसका डबल टॉप बन चुका था, उसके बाद जो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई थी। तो आपको ये जो स्टॉक है वो अभी नहीं खरीदना है, आपको एचडीएफसी बैंक जो है वो स्टॉक जब अपने 1785 के लेवल के ऊपर निकलेगा स्टॉक, तो अभी आपको जो है ये स्टॉक खरीदना है, अभी आपको ये स्टॉक नहीं खरीदना। आप देख सकते हो ये स्टॉक जो है इस लेवल पर काफी अच्छी तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। एक बार ये कंसोलिडेशन हो गया उसके बाद एक स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आ सकती है, जो स्टॉक को 1780 to 1785 के लेवल के ऊपर जब ये स्टॉक क्लोज होता है तभी आपको खरीदना है। तो जैसे आप अभी मैं आपको 3 स्टॉक मैंने आपको बताया, पहला जो स्टॉक था वो था एप्पल इंडिया, जो आप अभी भी खरीद सकते हो, दूसरा था केडीआई इंडस्ट्रीज, वो भी आप अभी खरीद सकते हो, लेकिन जो एचडीएफसी बैंक है आपको ये स्टॉक 1800 के ऊपर जाने के बाद ही आपको खरीदना होगा। अगर आप अभी खरीदोगे, अगर उसके बाद वापस से रिजेक्शन आता है इस लेवल से, ये जो लेवल है अगर इस लेवल से वापस से रिजेक्शन आता है, तो स्टॉक जो है वो फिर से जो है अपने सपोर्ट की तरफ, जो कि ये जो सपोर्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो स्टॉक अपने सपोर्ट की तरफ लेने आ सकता है। सो वापस से जो है वो 1700-1600 के लेवल पे आपको ये स्टॉक दिख सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि आपने ये स्टॉक जो है वो 1800 के ऊपर जाने के बाद ही आपने ये स्टॉक खरीदना चाहिए। तो जैसे मैं आपको वापस से कह रहा हूँ कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए है, और अगर आपको ऐसा ही फ्री में सीखना है तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां जाके भी